हेलो व्हाट्सअप गाइस, मेरा नाम है अविनाश कुमार और ये है आपका पीएचपी का लेक्चर 6। तो आज हम देखने वाले हैं डेटा टाइप के बारे में। क्लियर? मैं पहले बता दूं, अगर कोई पहली बार ये वीडियो देख रहा है तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जा करके सारा वीडियो देख लीजिए, क्योंकि इस कोर पीएचपी के खत्म होने के बाद मैं प्रोजेक्ट शुरू करने वाला हूँ पीएचपी पर। तो आपके लिए हेल्पफुल होगा बहुत, अगर आप ये मेरा बेसिक जान लेते हैं तो आप आसानी से सारा पीएचपी का जो मैं बताने वाला हूँ आपको प्रोजेक्ट, वो आसानी से आप समझ सकते हैं। तो पहले हम डिस्कस करते हैं आज डेटा टाइप के बारे में कि डेटा टाइप में क्या क्या होता है। तो पहला मैं डिस्कस करूंगा स्ट्रिंग के बारे में। क्लियर? देन दूसरा मैं डिस्कस करूंगा इंटीजर के बारे में, इंटीजर। एंड उसके बाद मैं डिस्कस करूंगा फ्लोट के बारे में। आई थिंक अगर आप प्रोग्रामिंग से फेमिलियर हैं तो ये सब आपको आइडिया होगा कि ये क्या होता है, लेकिन मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसको पीएचपी में कैसे यूज करते हैं। क्लियर? तो चौथा हम डिस्कस करने वाले हैं बुलेन के बारे में। बुलेन पहले ही बता चुका हूँ, जो मेरे वीडियो फॉलो कर रहे हैं वो जानता होगा कि बुलेन क्या है, फिर भी यहाँ हम डिस्कस करेंगे बुलेन के बारे में कैसे इसको यूज करना है। और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे अरे एंड ऑब्जेक्ट। तो आपका जो अरे है उसका मैं सेपरेट ट्यूटोरियल बनाऊंगा, इसलिए मैं इसमें नहीं डिस्कस करने वाला हूँ इसको, और ऑब्जेक्ट ये सब है सबका सेपरेट ट्यूटोरियल बनेगा। क्लियर? इसमें मैं डिस्कस करने वाला हूँ आपका पहला जो चार है, इंटीजर है आपका, स्ट्रिंग है, फ्लोट है, बुलेन है, ये सारा मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं स्ट्रिंग से। क्लियर? तो जब आपको स्ट्रिंग पुट कराना हो, तो आप पहले भी कर चुके हैं फिर भी मैं आपको बताता हूँ, तो चलिए एग्जाम्पल के साथ शुरू करते हैं। तो कभी वेरिएबल आपको पुट करना है तो डॉलर साइन तो कंपलसरी है। क्लियर? अब मैं यहाँ कोई वेरिएबल बनाता हूँ, तो हम अभी कर रहे हैं डेटा टाइप, तो वेर डीटी में बना दिया। क्लियर? वेर डीटी से मैं एक वेरिएबल बना दिया। अब इसका मैं वैल्यू देता हूँ, तो हमें क्या करना है, स्ट्रिंग करना है। तो कोई स्ट्रिंग लिखता हूँ, तो लिख देते हैं दिस इज डेटा टाइप। क्लियर? दिस इज डेटा टाइप स्ट्रिंग, अदरवाइज सिंपल लिखे दिस इज स्ट्रिंग टाइप। क्लियर? अब ये तो हो गया, अब इसको आप प्रिंट कराना है, तो ये तो प्रिंट करा देते हैं इसको। तो मैं यहाँ किया इसको, देन अब एक और बात, अगर डायरेक्ट इसको प्रिंट कराते हैं तो डायरेक्ट एक को लेकर इसको प्रिंट करा सकते थे, लेकिन अब यहाँ डेटा टाइप में क्या हुआ कि मैं यहाँ बताऊंगा कि ये किस टाइप का डेटा है, क्या इसका लेंथ है, सारा बताऊंगा, तो इसलिए मैं इसका यहाँ पर अच्छे से आपको समझा रहा हूँ। अब इसके लिए क्या करेंगे, वेर डैम के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जो वीडियो को पहले फॉलो किया वो जानता है इस फंक्शन के बारे में कि वेर डैम क्या है और इस फंक्शन को कैसे यूज करते हैं। अब उसके बाद मैं अपना वेर डिटेल लिया हूँ डेटा, ये वेरिएबल का नेम, तो उसको मैं यहाँ रख दूंगा। क्लियर? एंड देन यहाँ पर इसको क्लोज कर देते हैं, कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, देखते हैं सर क्या प्रॉब्लम है, कुछ एरर का चांस दिख रहा है मुझे। चलिए हाँ, आप सही है, चलिए इसको सेव कराते हैं। अब कहने का मतलब है कि इस स्ट्रिंग को प्रिंट हम कराएंगे, तो स्ट्रिंग तो प्रिंट होगा ही, उसके साथ साथ क्या बेनिफिट होने वाला है इस तरीके से वो आपको मैं बताने वाला हूँ। क्लियर? तो चलिए इसको सेव करते हैं, देखते हैं क्या कहता है। तो देखिए यहाँ पर अब मेरा क्या था, ये दिस इज स्ट्रिंग टाइप, अब इसका लेंथ दे रहा है, बता दिया ये, जब मैं वेर डैम्प यूज किया तो बताया कि ये क्या है, ये एक स्ट्रिंग है और इसका लेंथ क्या है 19 है, और ये है लिखा क्या है दिस इज स्ट्रिंग टाइप। क्लियर? तो ये आपका फायदा है इस तरह से यूज करने में। क्लियर? अब यहाँ पर वेर डैम्प जो है ये फंक्शन है आपका, एक पीएचपी का एक फंक्शन है जो बताता है कि किस टाइप का ये जो लिखा हुआ है, जो कुछ भी आप इनपुट डाले हो किस टाइप का है। क्लियर? अब एक और बात यहाँ नोटिस करने वाला है, अगर आप प्रोग्रामिंग पहले किए होंगे तो आप नोटिस किए होंगे हमें हमेशा लिखना पड़ता था कि ये स्ट्रिंग टाइप है, ये इंटीजर है, ये फ्लोट है, ये बुलियन है, मगर यहाँ पर आप नोटिस कीजिए कि यहाँ पर लिखने का जरूरत ही नहीं है। ठीक है, पीएचपी ऑटोमेटिक उसको ले रहा है कि ये क्या चीज है। क्लियर? तो अब देखते हैं हम, या तो मेरा स्ट्रिंग खत्म हुआ, अब हम देखते हैं आपका इंटीजर टाइप में। क्लियर? तो इसको कॉपी कीजिए सीधा। क्लियर? एंड देन इसको पेस्ट, एक बी आर ले लेते हैं वरना फिर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, एक लाइन में देगा तो आप कंफ्यूज कर जाएगा। तो यहाँ किया मैं एक को, देन डबल कोट और अपना पीएचपी का बीआर लिख दिया, सॉरी एचटीएमएल का बीआर। क्लियर? देन इसको सेव करते हैं।
अब हमें यहाँ क्या प्रिंट करना है, इंटीजर, क्योंकि सेकेंड हम इंटीजर करने वाले हैं, तो इंटीजर के लिए आपको डबल कोट डालने का जरूरत है ही नहीं, सिंपल इंटीजर कोई लिख दीजिए, जैसे यहाँ मैं लिख दिया 4, क्लियर। तो अब ये तो मैं लिख दिया, अब इसमें ये बता दें, इसको सेव करते हैं, देखते हैं कि इसका आंसर क्या देता है हमें आउटपुट में। चलिए इसको कराते हैं। अब देखिए यहाँ क्या है, बता दिया ये इंटीजर टाइप है और ये है क्या, ये 4 है, क्लियर। तो अब देखते हैं फ्लोट के बारे में। तो आपको तो फ्लोट पता है कि कैसे लिखते हैं, फ्लोट क्या होता है, कैसा नंबर होता है, वो तो आइडिया होगा ही, जो हिंदी में दशमलव और इंग्लिश में डेसिमल बोलते हैं वही आपका फ्लोट है। तो यहाँ मैं कर दिया 4.5, क्लियर, इसको किया मैं सेव। अब देखता हूँ कि ये क्या देता है फ्लोट वाला मेरा। तो आइए देखिए यहाँ पर क्या दिया, यहाँ दे दिया फ्लोट 4.5। तो यही आपका है जो डेटा टाइप हम बनाते हैं, तो इस तरह से बनाते हैं यहाँ पीएचपी में। एक और आपका बचा हुआ मैं आपको वही बताया हूँ, और वो है आपका बुलेन। तो बुलेन में क्या होता है, ट्रू या फॉल्स, यस और नो वाला वैल्यू होता है, इतना तो आपको पता ही है। तो चलिए सही है, जो पहले का वीडियो फॉलो किया उसको पता होगा, क्योंकि मैं वहाँ सब कुछ बताया हूँ पहले से, इसलिए मैं बता रहा हूँ फिर से। आप वीडियो अगर नहीं देखें तो जाकर के वीडियो एक बार देख लीजिए, आपको और भी अच्छे से क्लियर होगा। वैसे मैं यहाँ पर सारा कुछ क्लियर करा दिया हूँ, चलिए इसको भी देख लेते हैं एक बार, और इसको मैं किया सेव, क्लियर। देखिए यहाँ पर बता दिया बुलियन ट्रू है, अगर मैं यहाँ फॉल्स लिख दूँ तो ये क्या बताएगा, ये बुलियन फॉल्स है। अब आपका बचा अरे और ऑब्जेक्ट, तो ये मैं इसके लिए सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि वो थोड़ा बड़ा लेक्चर जाने वाला है, क्लियर। उसके पहले मैं एक और चीज आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप खुद से कॉन्स्टेंट क्रिएट करना हो तो क्या कीजिएगा। मान लीजिए कि कॉन्स्टेंट वैल्यू होता है मैथमेटिक्स में या फिजिक्स में, आपके होंगे न्यूटन होता है, ये सब कॉन्स्टेंट वैल्यू है, पाई होता है, सब कॉन्स्टेंट वैल्यू है। तो ये सब वैल्यू अगर आपको क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पीएचपी में, तो उसको कैसे करते हैं, क्लियर। तो उस बारे में मैं बात करने वाला हूँ। तो यहाँ मैं एक चीज लिखा हुआ था, यहाँ पर एक यूनिट लिखा हुआ हूँ, अगर कोई नोटिस किया होगा तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं, इसको मैं बताता हूँ, क्लियर। ये कॉन्स्टेंट यूनिट को मैं कॉपी कर लिया। अब जहाँ से आपका पीएचपी शुरू हो रहा है, क्लियर, तो वहां मैं इसको लिख दूंगा। तो मेरा पीएचपी यहाँ से शुरू हो रहा है, तो मैं यहाँ डिफाइन कर करके, यहाँ मैं किया डिफाइन, क्लियर। अब यहाँ दिया मैं ब्रैकेट सेमी कलन, और इसमें मैं लिख दूंगा अपना यूनिट। तो मेरा एन है, तो एन को मैं क्या कर दूंगा, अब एन को मैं कर दूंगा सिंगल कोट में। तो चलिए मैं इसको एन को किया सिंगल कोट में, और यह हमें डाल दिया कॉमा, क्लियर। अब ये आपका ले नहीं रहा, तो इसको देखते हैं डबल कोट में करके क्या कहता है, ट्राई करने में क्या जाता है। ये ले नहीं रहा, थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, कोई बात नहीं, हम दूसरा यूनिट लेते हैं। दूसरा यूनिट हम लेते हैं पाई का, 3.14 हमने ले लिया, और यहाँ लिख दिया हमने पाई, क्लियर। यहाँ तक तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए हम इसको देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करना है, क्या कुछ एरर आया है। चलिए कोई एरर नहीं है। अब कॉन्स्टेंट को कैसे हम प्रिंट कराएंगे, क्लियर, ये हमें देखना है। तो कॉन्स्टेंट को प्रिंट कराने के लिए कुछ नहीं, सिंपल है, यहाँ हम लिखेंगे छोटा सा कोड कॉन्स्टेंट के लिए, और कॉन्स्टेंट का कोड मेरा होगा कुछ इस तरह, एक को एंड जो मेरा वैल्यू है, तो मेरा वैल्यू क्या है, पाई है, यहाँ सेमी डाल दिया मैं, एंड इसको सेव किया। अब देखिए मैं सेव करके देखता हूँ क्या आंसर देता है मेरा। तो देखिए यहाँ पाई का वैल्यू मेरा यहाँ लिख दिया, तो अगर आपको खुद से कॉन्स्टेंट बनाना है तो इस तरह से कॉन्स्टेंट बनाते हैं, क्लियर। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए वहां भी देखते हैं क्या एरर बता रहा था उस समय, अगर सॉल्व हो जाए तो अच्छा है ना, क्योंकि खुद से ऐसे अगर प्रोग्रामर, आपको अच्छा प्रोग्रामर बनना है, खुद से करना है प्रोग्रामिंग अच्छी तरीके से, तो आपको गलतियां करना और उसको सुधारना आना चाहिए। अगर आप गलती करके सुधारना जानते हैं तो आप अच्छे प्रोग्रामर बन सकते हैं, क्लियर। इस बात को हमेशा दिमाग में रखिए, और आइए फिर से एक बार ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या कहता है। तो यही मेरा था, तो इसको मैं किया सिंगल कोट में, यहाँ डाला मैं कैप्स एन, क्लियर। और
और यही था मेरा वैल्यू, इसको मुझे प्रिंट करना था। यहाँ मैं किया सेव इसको, और यहाँ लेता हूँ मैं एन, जहाँ मैं पाई लिखा था वहाँ का वैल्यू चेंज कर देता हूँ एन से। तो इस तरह से आप जितने चलते कॉन्स्टेंट बना सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ एक करके, प्रॉब्लम होगा तो मैं उसको डिबग करूंगा, देखूंगा क्या प्रॉब्लम दे रहा है, नहीं हुआ तो फिर बहुत अच्छी बात है। तो इस तरह से आप भी किया कीजिए, जैसे मैं आपके सामने देखिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, प्रॉब्लम अनएक्सपेक्टेड 0.10197 इन लाइन 15, तो ये आपका अनएक्सपेक्टेड बता रहा है। तो यहाँ हम ये लाइन नंबर 15 में चेक करते हैं किस तरह से इसको सॉल्व किया जा सकता है, उस वैल्यू को किस तरह से प्रिंट कराया जा सकता है, कोई तो आइडिया होगा उसको प्रिंट कराने का। यहाँ हम कॉमा छोड़ दिए थे, चलिए अभी इतना करके देखते हैं इसको किया मैं सेव, देखते हैं आपका एरर दे रहा है। अब अनएक्सपेक्टेड केजी एरर है आपका, इसको हम करते हैं डबल कोट में, आप देखते हैं कि क्या कहता है। तो इसको मैं करता हूं सेव, क्लियर। इससे हमें कुछ पता चलेगा जो आपको मैं अभी क्लियर करूंगा। तो देखिए यहां पर अब ये क्या हुआ, ये आपको मैं समझाता हूँ। अब उस समय मैं किया था पाई का वैल्यू जो लिखा था 3.14, मतलब वो क्या था, वो फ्लोट में था। तो जब भी फ्लोट रहेगा तो उस समय आपको वहाँ कुछ नहीं, सिंपल कॉमा के बाद लिख देना है। लेकिन अगर आप कुछ ऐसा लिखते हैं जिसमें सब मिक्स है, यहाँ पर देखिए केजी है, फ्लोट है, बहुत कुछ मिक्स है, तो ऐसा केस आता है तो आपको क्या करना है, उसको डबल कोट में करना है, क्लियर। तो डबल कोट में कर करके आप कीजिएगा तो आपका वैल्यू क्या होगा, तो एन मैं कॉन्स्टेंट लिया था, एन का वैल्यू मेरा फिजिक्स यूनिट है, ये न्यूटन है, तो उसका वैल्यू कुछ इतना होता है, ठीक है। तो उसका मैं यहाँ पर वैल्यू इस तरह से प्रिंट कराया। तो जब भी आप अगर स्ट्रिंग टाइप या कुछ भी स्ट्रिंग टाइप करा रहे हैं फ्लोट टाइप, तो फ्लोट का तो सिंपल आप लिख सकते हैं, लेकिन आप स्ट्रिंग टाइप कराए जिसमें इतना कुछ मिक्स रहता है, तो उसको कराने के लिए आपको क्या करना होगा, उसको डबल कोट में डालना होगा। और ये रहा आपका आंसर यहाँ पर सामने, ठीक है, यहाँ पर ये प्रिंट हो गया। तो इसलिए मैं बता रहा था कि अगर आप अच्छा प्रोग्रामर बनना चाहते हैं तो मिस्टेक कीजिए और उसको सुधारने का खुद से कोशिश कीजिए, जैसे मैं आपके सामने बता रहा था, क्लियर। तो आप वीडियो के साथ बने रहिएगा आगे लेक्चर तक, पीएचपी का प्रोजेक्ट बहुत जल्द शुरू होने वाला है ये सारा टॉपिक कवर करने के बाद। तो अभी अगर आप नहीं देखे हैं पहले का वीडियो, तो आप जाकर के देख लीजिए, आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है। और वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए एंजॉय कीजिए।